मूवी देखना था, बेला ने गड़बड़ी कर दी। वो ना कुछ दिनों से कोई प्रॉब्लम आई है उसको, रात को सुसु कर देती है, मतलब लेटे लेटे सपना देखती है, क्या करती है पता नहीं, सुसु कर देती है। और उसने आज भी सुसु कर दिया। फिर मैंने उसको इतना डांटा, इतना समझाया कि भाई नहीं करते सुसु सोते सोते, और ऐसे मासूम सा चेहरा बना लेती है ना, मतलब उसके बाद कुछ बोल ही नहीं सकते। तो मैं खुद पे दया आएगा, क्यों डांट रहे हो उसको? फिर प्यार से हाथ लगा के समझाया कि ये नहीं करना चाहिए, अगर मारोगे तो वो समझती नहीं है कि क्यों मार रहे हो, अगर डांटोगे तो समझती नहीं है। फिर उसको पॉइंट आउट करवाना पड़ता है, ये तुमने गलत किया, ये नो, ये नो। उसको समझाया बहुत देर तक, उसको 3 4 दिन अगर ट्रेनिंग करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। बेला आते नींद खराब कर दी। और ये देखो महाशय को बेड पे ही खाना है, हम लोग देते ही नहीं है, मगर कल रात को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था उसके साथ कि ये खाना कम खाई थी और यहाँ पे बेड रखा हुआ था, तो मैंने ऐसे दे दिया। मम्मी को तो पता ही नहीं है, अगर पता होगा तो मम्मी बेड पे थोड़ी ना खाने देगी। चल जल्दी फिनिश कर, कल के ब्लॉग में देख के फिर मारेगी। आज ये तीसरा दिन है जो वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं आज भी लगेगा या नहीं, कल भी नहीं लगा, इससे पहले एक दिन गया था उस दिन भी नहीं लगा था, और आज लगेगा ये भी नहीं पता। मगर कुछ जाने में क्या जाता है, मगर बारिश हो रही है बाहर, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। सो देखता हूँ कि कैसे जा सकता हूँ, शायद रेनकोट पहन के जाऊँगा। बारिश इतनी हुई है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा फॉग है। ये मेरा हेलमेट के अंदर से जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, पहुँच गए आज के साइड पे, बस आज हो जाए काम, पता नहीं आज होगा या नहीं होगा। फाइनली फाइनली हो गया वैक्सीनेशन, मगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश में भी देखो रेनकोट पहन के घर जाना है, और घर जाके मैं सारे बात करता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। ये हालत बहुत ख़राब है, पूरे बारिश में गीला होकर देख सकते हो, और फोन को भी एकदम कवर के अंदर ले लिया। दूर दूर तक कोई नहीं है, बस इस साइड से 2 3 गाड़ियाँ जा रही है, इस वाले रोड पे कोई भी नहीं है। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से ये बारिश हो गई ना, तो किसी भी काम ना हो तो कोई भी निकल नहीं रहा है। सो हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पहले 2 दिन धोखा मिला और तीसरे दिन जाके लग गया। कल भी वैक्सीन नहीं लगा था, आज वैक्सीन लग गया। और वैक्सीन लगने के बाद, मतलब जो वैक्सीन लगाने वाले जो डॉक्टर थे या फिर जो नर्स थे, उनका मैं तारीफ बहुत करना चाहूँगा। वो बस ऐसे लगाते रहे, बस बोला कि नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या खा के आए हो, क्या करते हो, पूछा। इतने में वैक्सीन लग के हो चुका था, तो मैंने फ़ोन ऐसे हाथ में रखा था, तो बोले कि क्या कर रहे हो, फोटो ले लूँ? तो बोला तक कब का हो गया, अब क्या। जब ले रही थी, मतलब मैं दे रही थी, तब लेना चाहिए था। तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे लिया, कब हुआ, कैसे नहीं हुआ। और इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, मैं कुछ बना ही नहीं पाया। जब वैक्सीन लग गया, मैं जब घर आ रहा था, तो बारिश इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि मैं फ़ोन को अंदर रखना पड़ा। और मैंने एक बार गूगल मैप देख लिया था ऐसे घर आना है, तो मैंने घर देख लिया, फिर आ गया। और आने से पहले पापा ने फ़ोन किया कि कहाँ पे है, तो वो मतलब फ़ोन नहीं उठा रहे, बहुत बहुत कॉल किया मैंने उठाया नहीं, क्योंकि मैं बाइक चला रहा था, बाइक चलाते थे, फ़ोन उठाता नहीं हूँ। तो इतने में मेरे को बोला कि तू घर आ, मतलब बेला वेट कर रही है। तो मैं फिर बेला के लिए एक वो चिंग स्टिक वो लेके आया, ले वो सब तो वो छुआ तक नहीं उसने, वो आके पहले ही मेरे ऊपर एकदम उछल उछल के, उछल उछल के वो एकदम बोली कि मेरे को गोदी लो, मेरे को प्यार करो, जो मर्जी मतलब करो। फिर मम्मी ने बोला कि 2 घंटे से, मतलब जब से मैं गया हूँ, आने जाने में मेरे को शायद 2 से 3 घंटे लग गया था, तो तब तक वो उस गेट के वहां से गई नहीं है। तो मम्मी बोले जब तू चला जाएगा मतलब बाहर, तब वो क्या करेगी, कैसे रहेगी, ये एक अलग सा टेंशन आ गया है। अच्छी बात है कि मेरे बात सुनती है, और ये भी बुरी बात है कि मैं जब नहीं रहूंगा तो वो कैसे करेगी। सो ये थोड़ा सा टेंशन है। और मतलब वैक्सीन लग चुका है, अब दिल को तसल्ली है। 3 बार ब्लॉग बनाया कि आज वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ, वैक्सीन लगाने जा रहा हूँ, फाइनली जाके आज बना, मतलब आज लगा। और मेरे को कोविशील्ड लगा है, और जो नेक्स्ट डोज है वो 11th अगस्त के बाद लेना है, और 8 सितंबर से पहले लेना है।
सो यही था अपडेट, वैक्सीन मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। सो जब वैक्सीनेशन हुआ, प्रोसीजर बहुत सिंपल था, क्योंकि मम्मी बोली ये भी बता दे कि क्या प्रोसीजर था। मैंने ऑनलाइन बुक किया, उसके बाद गया, वहाँ जाने के बाद वैक्सीन के लिए वहाँ नाम लिखवाना पड़ता है कि, और आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, जो रेफरल नंबर है वही उनसे मैच होता है, आधार कार्ड का नंबर, फिर जाके वैक्सीन लगता है। वैक्सीन लगने के बाद नाम लिखा जाता है, एक कॉपी में लिख देते हैं, फ़ोन नंबर लिख देते हैं जिस पे OTP आता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आता है। वो लिखने के बाद, जो वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा वेट करना पड़ता है कि एनीथिंग चेंजेस, या चक्कर आ रहे हैं, किसका पेट गुड़ गुड़ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर जो मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उनको कुछ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आधा घंटे तक वहाँ वेट करना पड़ता है। आधा घंटा वेट करने के बाद मतलब उस टाइम पे ये लोग पता नहीं इस जो सेंटर था यहाँ से ही प्रोवाइड कर रहे थे ये नहीं पता, सबको एक एक करके फ्रूटी दिया, पानी का बॉटल दिया और ग्लूकोन डी का छोटा वाला पैकेट दिया, अगर होता है तो आप मिला लीजिए या फिर वहाँ पर रखा हुआ है एज ए टेक, आप लीजिए, पानी में घुलो या पी जाइए। सो ये है था प्रोसेस, और बाकी तो रेस मतलब जो होगा देख ही सकते हो, अभी तक मेरे को कुछ हुआ नहीं है। हो गया मेरे को 12 बजे, 12:02 पे लगवाया था मेरे को, और अभी टाइम हो रहा है 2:45, तो 2:45 घंटा हो चुका है, मगर मेरे को कोई असर नहीं है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, नहीं मेरे को बुखार आया ना कुछ हुआ। हाँ मगर मैं आते टाइम पूरा भीग चुका था पानी में, जब भी रेनकोट था मगर पता नहीं कहाँ से पानी अंदर आया, शायद गले के यहाँ से खुला हुआ था तो गले के यहाँ से पानी अंदर आया और मैं पूरा भीग चुका था पूरा, बस सर बच गया था, सर नहीं भीगा क्योंकि हेलमेट पहना हुआ था, और बाकी A to Z सब भीग चुका था, नीचे का पोर्शन, और जूते तो बहुत जल्दी भीग गए थे क्योंकि गाड़ी जा रही थी बारिश में, तो होता है ना गाड़ी वाले बाइक के ऊपर मतलब पानी मार के चले जाते, उनको मज़ा आता है या कुछ होता है, तो यही हुआ, तो अभी तक ठीक। क्या मस्त वेदर हो रखा है और क्या मस्त बारिश हो रही है, और बारिश का जो आवाज़ है ना ये सुनने में कितना मज़ा आता है। हाय 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 ओके 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 तोल तोल ओके 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 बेला बेले बेले सुना। आगे का व्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि लाइट चली गई थी और इन्वर्टर पे था सब कुछ, तो सब हमने लाइट ऑफ करके जल्दी जल्दी सो गए थे, और बेला भी मेरे साइड में सोई हुई है। मैंने वीडियो तो बना लिया, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा कि मेरे साथ कैसे बेला लेटी हुई है। यहाँ तक देख लेते, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और ये एक टाइम लैप्स है जो कि मैंने 2 दिन पहले शूट किया था मगर डालना भूल गया था, तो इसमें ऐड कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास आज के कंटेंट बहुत ही कम था, और इतने कंटेंट में आज काम चला लो, नेक्स्ट टाइम मतलब कल से ज़्यादा कंटेंट आएगा, और मैंने जो जो प्लान कर रखा है वो सब कुछ दिखाऊंगा आपको।